बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार। Assalamu alaikum, good morning everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप वेयर एवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। इट इज संडे टुडे एंड अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बट सन इज नॉट कमिंग आउट, इट्स क्लाउडी। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुपरबाद, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। एक मरतबा फिर आज मैं मास्क लाना भूल गया हूँ, मुझे माफ कर दें, लेकिन आप लोग जो है प्लीज मास्क जरूर यूज करें, ये बड़ा जरूरी है, हंसने की बात नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे के ख्याल करें और इस बीमारी से लड़ना है, डरना नहीं है। जी सही है बात है जी। और जैसे आपको पता है कि 3-4 दिन का अब गैप रह गया, फिर क्रिकेट वापस आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड इज इन साउथ अफ्रीका, इंडिया इज़ इन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज इज़ इन न्यूजीलैंड। तो एक मैच हुआ उधर, खेला आपस में, खेला इंग्लैंड की टीम ने, एक टीम को उन्होंने बटलर 11 बना दिया, एक को मॉर्गन 11। तो उनका जो ठीक है, तकरीबन सारे उनके बेहतरीन स्क्वाड खेले हैं। जो उसकी टीम थी बटलर की, उसमें रॉय हैं, मलान है, रूट, बटलर, बिलिंग्स, करन, सैम करन, CSK में खेले थे, आपको पता ही होगा, ग्रेगरी, जॉर्डन, आर्चर, राशिद, स्टोन, इन्होंने जनाब 255 बनाए हैं। 50 ओवर का मैच था लेकिन 39 ओवरों में काम हो गया, या आई गेस 40 ओवर का था, और आउट हो गए पहले। और उसके जवाब में जो मॉर्गन 11 है उसमें भी अच्छे खिलाड़ी थे, भाईजान बेस्टो, बेंटन, स्टोक्स, मॉर्गन, लिविंगस्टोन, मोहम्मद मोइन अली, वोक्स, टॉम करन, वुड, टॉपले, और ये हार गए हैं। बाय द वे दे लॉस्ट, अच्छा ज़रा प्रैक्टिस हो रही है। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो भी प्रैक्टिस मैच खेली है 3 रोज़ा, आज खैर उसका आखिरी डे है, और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी तक वो मैच चल रहा है। न्यूजीलैंड ए की तरफ से एक तो भाई रविंद्रा नाम का एक प्लेयर उनका आ गया, उसने सेंचुरी मारी, किया था पहली इनिंग में, दूसरी में 10 पे आउट हो गया, तो 308 पे 3 आउट से डिक्लेयर कर दिया, उसके जवाब में 366 किया वेस्ट इंडीज ने। अब दोबारा वो चल रही है न्यूजीलैंड ए की बैटिंग, तो ये बस हमने कहा आपको अपडेट देते चले कि जरा उसमें भी एक सेंचुरी आई है, उसमें वो डेन ब्रावो, वो जो लारा की तरह खेलता है, चेज वेज ने भी किया, वो तो वैसे इंग्लैंड नहीं गया था, उसने आपको पता ही है कि माजरत कर ली थी जब ये कोविड में टीम गई थी उनकी वहां पे, तो तब वो नहीं गए थे। तो जनाब आज काफी आपके जो सवालात हैं उसी के हम जवाब देंगे, और सवाल आपके काफ़ी हैं, तो हमने पहले आपसे कहा था कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रखेंगे कि जो आपके सारे सवालात के जवाब देंगे। तो टुडे इज़ दैट डे दैट वी गोना बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। 8-10 हमने सवाल उठाए हैं तो उसका जवाब देंगे। एक तो भाई तिरलोक सिंह साहब हैं, वो कह रहे हैं जी रिजवान बहुत बोलता है यार, वार्नर स्मिथ, वार्नर स्मिथ, वार्नर स्मिथ। तो भाईजान बात तो ठीक ही है वार्नर स्मिथ की, फ़र्क तो पड़ता है, अब आप नहीं माने तो वो फिर अलहदा बात है, लेकिन दो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं उनके, और जब उनकी वापसी की, ख़ास तौर पे स्मिथ और फिर वार्नर, वो भी अच्छे हैं। तो आप खुद ही बता दीजिए, या इस पर भी कोई पोल कर लेते हैं, पता चले कि भाई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। मसिफ फ़र्क पड़ता है उन दोनों की वापसी पे, और जो लास्ट ओवर था इंडिया का तो उसमें वो नहीं थे, और इसमें हैं तो उसका भी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। भाईजान आप बताइए, फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता? नहीं, फ़र्क तो बहुत पड़ता है, और फ़र्क पड़ा है जब वो दोनों वापस आए हैं, और उन्होंने आते ही जिस तरह की परफॉर्मेंसेज शुरू की हैं। देखे वार्नर ने अगेंस्ट पाकिस्तान ट्रिपल सेंचुरी की थी, हाँ जी, और फिर स्मिथ ने जिस तरह इंग्लैंड में जाके एशेज के अंदर, तो वो बहुत फ़र्क पड़ा है। कहाँ ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह हारा था, हर सीरीज में हारा था, तो उनके आने से एकदम टीम मॉरली कितना लिफ्ट हुई, और फिर उनकी परफॉर्मेंसेज देखें कितनी लिफ्ट हुई, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और फ़र्क पड़ेगा। और ये जो इंडिया की अब सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इन ऑस्ट्रेलिया जो बिगेस्ट सीरीज है,
तो उसमें भी इन दोनों का बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा और वो आपको फ़र्क नज़र आएगा। जनाब अली, देखें जी, पहली बात तो ये हजूर किसी ने उनको खुद से नहीं किया था, ना उन्होंने रेस्ट लिया था, उन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी और उन्होंने सजा भुगती उसकी। ठीक है, फ़र्क पड़ेगा, बट आई बिलीव इन गोइंग फॉरवर्ड रादर देन गोइंग बैक। बट ठीक है, आप भी गए हैं वहाँ खेलने के लिए, यस फर्क पड़ेगा। लेकिन स्मिथ ने मोहसिन भाई बॉल टेम्परिंग नहीं की थी, बिकॉज ही वॉज ए कैप्टन और तो इन्वॉल्व था ना, तो उसने खुद ही काम था ना, उसने खुद ही कहा कप्तान का जो है ना। सबसे ज्यादा जुर्माना किसको होता है जब किसी टीम को जुर्माना होता है तो? लेकिन देखें, वो इसलिए होता है कि अगर कोई जो वॉल टेम्परिंग कर रहा है, अगर वो पकड़ा नहीं जाएगा तो फिर जो है ना वो उसको करते हैं। मैंने बड़ा मासूमाना सा सवाल किया था, कप्तान ही जिम्मेदार होता है। एनीवेज, उसने जिम्मेदारी फर्क पड़ेगा। लेकिन देखें सभी साहब, आप क्रिकेट खेलने गए हैं, वहाँ ये देखने थोड़ी गए हैं कौन है कौन नहीं है। आपने क्रिकेट खेलनी है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपके पास भी तमाम वो प्लेयर्स मौजूद हैं जो किसी भी टीम पे फर्क डाल सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज होने जा रही है इस दफा, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की होगी, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इस दफा एक डिफरेंट मोड के साथ उतरी है इंडिया। उन्हें पता था कि जी ये स्मिथ वार्नर का जो काम चलता रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं कहा, लेकिन लोगों ने इसको एक स्मिथ वार्नर किया है, तो मेरा ख्याल है मजा आएगा, फर्क पड़ता है इसमें कोई शक नहीं है। अब देख लेते हैं कितना फर्क पड़ता है जब दोनों मौजूद हैं। बिल्कुल सही है जी। इससे पहले कि आप नया एक क्वेश्चन लें, एक जो ईएन चैपल का कल मैं पढ़ रहा था बयान आया, उसने जो इसको पॉन्टिंग को और लैंगर ने जो कहा था कि जी वो बर्न्स खेलेगा, वो क्या उसका, और उसने उसको अपोज किया, उसने कहा कि नो, इस वक्त जो करंट फॉर्म के अंदर जो लड़के रन, उसने उसको वो जो नया उनका ओपनर आया, ठीक है, कि उसकी 6 सेंचुरियां इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और लास्ट उसकी 2 डबल सेंचुरियां, उसने कहा कि जो करंट एनवायरनमेंट है, जो करंट इस वक्त फॉर्म है, उसको देखें, आप ये मत देखें। उसने भी पूरा स्टैट दिया उसका कि 250 कितना स्कोर है, 32 की उसकी एवरेज है, तो आप ये मत देखें कि जी कि वार्नर के साथ कौन ओपन करेगा, आप ये देखें कि इस वक्त कौन फॉर्म के अंदर है, किस तरह की पिचेस हैं, उस पिच के ऊपर तो सिलेक्शन जो है ना, मेरे ख्याल में रिजवान भाई के दोनों साइडों से, इंडिया की सिलेक्शन कमेटी और जो है ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या वो पुराने स्कोर्स को देखेंगे, क्या पुराना उनका रिकॉर्ड स्टैट्स देख के वो टीम बनाएंगे, अपनी टीम सिलेक्शन करेंगे, प्लेइंग 11 बनाएंगे, या अब जो करंट फॉर्म प्लेयरों की चल रही है उसको सामने रखेंगे। माशाल्लाह, मतलब एन चैपल ये बात कहें तो इस बात में वजन है। हम अगर कहें कि सूर्या कुमार या ईशन किशन या प्रेजेंट फॉर्म पे देखें तो वो गलत होता है। देखिए यही तो बात है भाईजान, हर प्लेयर की एक पीक टाइम होता है। सभी अजहर का अगर नाम आ रहा था पिशावर के, उसमें तो उसकी फॉर्म देख के आ रहा था या उसके पास रिकॉर्ड्स देख के आ रहा था। यही मैं कहता हूँ, हर प्लेयर की एक फॉर्म होती है, एक पीरियड होता है, अगर आप उस पीरियड को मिस करेंगे वो उस पीक फॉर्म में नहीं आ पाता। यही मैं कहता हूँ, अगर बर्न्स के वो क्वींसलैंड गया और उसने अभी मुसलसल फ्लॉप जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो स्कोर कर रहा है, चाहे वो काउंटी में, आप काउंटी को ही देख रहे हैं ना इस वक्त जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, तो या आप आईपीएल को देखेंगे, बिग बैश को देखेंगे, या काउंटी क्रिकेट को देखेंगे, तो यही मैं भी कहता हूँ, यस आई फुली इंडोर्स दिस स्टेटमेंट। ठीक बात है जी। और जब मोहसिन भाई या सभी भाई बात कर रहे थे तो उधर पार्किंग में गाड़ी ठोक दी आपकी गाड़ी नहीं मोहसिन भाई, आप टेंशन ना ले। और दूसरा मैं ये देख रहा था, ये जिस बेंच पे हम बैठते हैं इसमें मोहसिन भाई तकरीबन 5 से 6 नंबर किसी ने अपने चाबी से किसी ने खोदे हुए मोबाइल नंबर, किसी ने किसी आपके उधर खोदे, किसी के उधर उधर उधर, तो ये मतलब तरीका पुराना है। ये क्या फायदा मिलता है इस तरह लिखने से, कोई फायदा होता है इसका? आप कैसे को कोई फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगा भाई 28 साल की कैद भुगत रहे हैं, नहीं हमें कोई फायदा नहीं। जो आपकी साइड का नंबर है वो लग रहा है 28 साल पुराना नहीं, ये तो नंबर ही नहीं नजर आ रहा है, वो जरा क्लियर नजर आ रहे हैं सारे नंबर। एलन बॉर्डर साहब को भी खुरक उठी है, लेकिन ये उन्होंने लिखे हुए हैं तो इससे कोई खास फायदा नहीं होता। मोहसिन भाई ने ये क्रक्स दे दिया, नहीं आपको होता है मुझे नहीं होता, मैंने ये बताया।
जो हमारे दोस्त इंडिया से देख रहे हैं, आप भी बताइए, आप भी जब पार्क पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो कोई खोद खूद के कोई नंबर शंबर लिख देते हैं कोई बेंचों पे टेबलों पे? यार क्या हो गया, ये जवानी है, जवानी में। अब आपके दौर में मोबाइल है, हमारे दौर में सिर्फ घर में टेलीफोन और वो भी 400-500 घरों में एक होता था। एलन बॉर्डर साहब ने बयान दे दिया। अब इंग्लैंड जाएंगे ना जी इंशाल्लाह, ठीक है, तो क्यों जाएंगे ये भी बताएं। वो ठीक है, वो अगली कहानी है, बात नहीं, नहीं। वैसे जाऊंगा घूमने, वैसे कैसे, वैसे कैसे जाएंगे? अच्छा चले जाएंगे ना, जाएंगे जाएंगे, ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री है, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। वहां भी जितने भी टेलीफोन बूथ लगे होते हैं, आप उसके अंदर जाएं तो स्टिकरों की भरमार नंबरों की लगी होती है। अच्छा अच्छा, स्टिकर लगे हुए हैं, नंबर लगे हुए हैं, तो आप जिसको चाहे बुला लें, कनेक्ट हो जाए। एलन बॉर्डर साहब ने बयान दिया है, मुख्तलिफ बोर्ड्स को कहा जी अपने प्लेयर्स को आईपीएल के लिए मत भेजें, वर्ल्ड टी20 के लिए करें। ओ भाईजान, किसी अच्छा सर कभी वैसे किया था फोन फिर? नहीं यार, आप लोग सीरियस ही नहीं हो रहे, आप या फोन पे बात कर ले फिर शो कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? नहीं मैं क्या ये पूछ लिया यार, देख लो फोन फोन कर रहे हैं, बड़ा नीचे जरा देख लेना। चलो भाईजान मैं नहीं, मेरा काम में दस देना। मैं जब भी इंग्लैंड जाता था नहीं किया, नहीं किया, तुसी नहीं किया सर, आपने नहीं फोन किया, आप तो ऐसे ही पूछ लेते शायद कभी। वो कह रहा है बता दे तरीका यार, आप समझ नहीं रहे। बोलिए यार, एलन बॉर्डर के ऊपर आए यार आप, क्या व्हाट इज दिस? बोलिए तो भाई बॉर्डर साहब, अब आप नहीं खेल सकते आईपीएल या कोई लीग, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? समझें कि ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि मुतलका बोर्ड्स को भी उसका फायदा होता है जब वो प्लेयर्स जाते हैं, और जब क्रिकेट नहीं हो रही तभी वो जाते हैं ना अपने मुल्क के ऊपर, तो प्रेफर नहीं करते वो लीग्स को। हाँ। तो इसको समझें जरा, ठीक है जी, ऐसी शुरलियां ना छोड़ें जी। अकबर सनादे साहब हैं, वो कह रहे हैं जी बट द बॉलिंग अटैक इज स्टिल द सेम एज इट वॉज इन 2018 टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बात आपकी ठीक है, 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया का सेम ही बॉलिंग अटैक था, सारे उनके बेहतरीन जो बॉलर हैं वो मौजूद थे, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, नथल नाइन, ये सारे मौजूद थे। बट मेरी एक जो हल्की सी जो आप समझ लें कि राय है, नाकिस राय, वो ये कि जब आपकी बैटिंग ज़रा थोड़ी वीक होती है और आपकी टीम 200-250 पे आउट हो जाती है, तो आपके जो बॉलर्स बॉलिंग करवाने आते हैं उनका माइंडसेट और होता है। जब आपकी जो बैटिंग, जो कि अभी वार्नर और स्मिथ के आने के बाद ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगी और लबुशन भी अच्छा कर रहे हैं, और जब बोर्ड पे वो 250 को 450 लगा होगा, तो फिर जो बॉलर्स हैं उनकी एनर्जी भी और होती है, उनकी जो लेंथ गेंद करवाने की होती है वो भी वो और होती है, वो भी ज़्यादा विकेट टेकिंग के लेंथ में गेंदें करवाते हैं, और उनकी जो रनिंग होती है, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज चेंज्ड। सभी भाई आपका क्या राय है इस पर? नहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए एक तो जो वो पीरियड था पूरा एक साल डेढ़ साल जो भी वो दोनों बाहर रहे हैं, उसमें अगर आप देखें कि जहाँ पे भी गया ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए बुरी तरह आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जस्ट बिकॉज जैसे आपने कहा कि वो बैटिंग, ठीक है ना, क्योंकि बैटिंग, फिर जो टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर का जो एटमोसफेयर है, मतलब मैनी टाइम्स हैपेंड कि इन्होंने टीम को आउट किया है, ठीक है, बॉलर्स ने, तो पता चला अपने भी 50-60 पे 4-5 लगे हुए, ठीक है, तो मतलब बॉलर्स का भी पसीना भी खुश्क नहीं होता था, तो उनकी वो उनको पैड पहनने पड़ जाते थे, तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और जिस तरह आपको पता है कि अब अगर आपने दूसरी टीम को 250 पे आउट किया, अगर आपको कॉन्फिडेंस होता है कि अब हमारी टीम जो है ये 400 करेगी या 300-500 करेगी स्कोर, तो वो बिल्कुल 100% ये ट्रू है कि डिफरेंट एक माइंडसेट बन जाता है, एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस लेवल है, फिर वही बॉलिंग थी और दो वो बंदे बीच में टीम में आए हैं, वार्नर और स्मिथ, तो वही बॉलर्स थे, वो डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज से डिफरेंट उससे बॉल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि स्मिथ ने एक इनिंग में 100, अगली इनिंग में 100, ठीक है, और बड़ा बड़ा, और फिर आप फिर क्या था कि आप मैच हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, उससे भी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाती है। तो वो जब आप जीतना शुरू करते हैं तो फिर आपकी बॉलिंग तो चढ़ के आती है जी। भाईजान आपकी राय? भाईजान मैं बार बार इस बहस, मेरे लिए तो ये यूजलेस बहस है सर, पॉइंट नया पॉइंट आ गया ना, नहीं, वो तो वार्नर स्मिथ वाला तो खत्म हो गया ना, नया पॉइंट है। देखें बॉलर्स जो है, मैं आपकी बात से 400% एग्री करता हूँ, जब स्कोर रन बोर्ड पे होंगे तो बॉलर कुछ करेगा ना, ये तो एक मतलब है, बड़ा सिंपल सी बात है। लेकिन भाईजान बात यह है कि अब एक चीज नहीं थी,
अब उसको बार बार यार वो तो नहीं थी उसकी तो बात नहीं कर रहे ना, अब जब होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो भाईजान होगी तो अभी कितने दिन रह गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं, लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है बॉलर्स की, आई एग्री विद दिस पॉइंट। गावस्कर साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा है कि इंडिया विल रेज देयर गेम इन कोहलीज एब्सेंस एंड आई फुली एंडोर्स दिस स्टेटमेंट। सही बात है, वो करना भी चाहिए। गावस्कर साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम कहते हैं तो कोई मानता नहीं है। नहीं वो, नहीं, वो तो कर रहे हैं रेस। यस, तो क्या वो कोहली के ना होने से उनकी नीचे आएगी? नहीं, मोटिवेशन होगी ना कोहली को, एक वो देंगे कि नहीं है तो हम आपके लिए ये लड़ेंगे, वो ये है बयान, ये है भाईजान। अच्छा जी, जयदीप रावत और ऊपर करेंगे, चलो आई होप कि ऐसा हो जाए। और इससे अच्छी क्या बात है कि एशियन टीम वहां पे जाके जीते, इंशाल्लाह। पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा रहा है तो पाकिस्तान भी जीतेगा इंशाल्लाह। तो अगर ऐसा हो जाए तो इससे तो कोई अच्छी बात है नहीं, हम तो मतलब ऑब्वियसली मुख्तलिफ एंगल ऑफ द गेम उस पे बात करेंगे, इंग्लैंड वगैरह हम सारा कवर करेंगे, आप फिक्र ना करें, मैच तो शुरू होने दें। जयदीप रावत कह रहे हैं जी, हूएवर विंस द सीरीज बट आई जस्ट वांट टू सी क्लोज मैचेस एंड कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। आपने अपना नाम बदल के तो नहीं लिख दिया? तक लो भाई, नहीं क्या पता नाम बदल दिया, ये तो आप चाहते हैं हमेशा क्लोज क्रिकेट लास्ट ओवर। हाँ तो वो तो अच्छा ही है, आप चाहते हैं क्लोज क्रिकेट का ही मजा होता है, अच्छे क्रिकेट हो, ये सही है। और वर्बल चिट चैट, स्लाइटली वर्बल चिट चैट, पिछली सीरीज में हमने देखा कि टिम पेन और ऋषभ पंत आपस में बड़ा वो चल रहा था, ऋषभ पंत उसको बार बार वो कोहली पॉइंट पे खड़ा हुआ उसको बोलता था ये बोल वो बोल वो दूसरा वाला बोल, नहीं नहीं ये नहीं दूसरा वाला बोल, वो तो यही बोलते थे वो टेम्परेरी कैप्टन और मेकशिफ्ट कैप्टन कुछ इस तरह की वो बातें उसको पेन को, और टिम पेन भी फिर उसके जवाब में जाहिर है कि उसने भी काफ़ी वो तो वो माइक जो स्टम्प माइक है उसमें काफ़ी वो आवाज़ें सुनने को मिलती थी। तो अगर ये गालम ग्लोच के अलावा ये हो तो मजा आता है सुनने में, मैं आई रियली एंजॉय इट। कोहली क्या, कोहली की और टिम पेन की भी तो आपस में काफी जो है ना। हाँ कोहली उस पे एक मैच में विराट कोहली वगैरह सारे ऑब्वियसली ये भी उसको स्लेज कर रहे थे, तो टिम पेन भी उसको बोल रहा था, वो मैं पिछले दिनों ही वो अमेजोन वाली जो सीरीज है वो मैंने पिछले दिनों ही देखी है, उस सीरीज पे जो बनी है 2018 की डॉक्यूमेंट्री जो है, इंडिया जब गया था ऑस्ट्रेलिया उसमें तो बड़ी बेहतरीन है। तो उसमें फिर टिम पेन उसे कहता है कि सो यू आर गोइंग टू बैट हियर ऑन फोर्थ इनिंग्स, तो उसमें कोई 270 के आसपास टारगेट मिला था और दूसरा मैच था आई गेस। बहरहाल वो अच्छा मोहसिन भाई, आई रियली एंजॉय इट कि वो माइक स्टंप में जरा इस तरह की बातें होती है। हेल्दी तो क्रिकेट का हुसन है ना, बस अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, बाकी स्लेजिंग व्लेजिंग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा हद से बाहर निकल जाते हैं। अब तो कोहली नहीं है और भी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब आप खेल रहे हो ठीक है, तो जब तक आप चढ़ के नहीं आएंगे उनके ऊपर, जब तक आप उसकी स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग से ट्रिपल स्लेजिंग, ट्रिपल स्लेजिंग, मतलब 2006 में मेरा फर्स्ट हुआ था ए टीम का और मिसबा हमारा कप्तान था, या फीज, ये सारे लड़के हमारे साथ खेल रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया की जो ए टीम थी बहुत बड़ी टीम थी, ब्रेड हेडन कप्तान था, हस्सी था, हॉज था, शॉन टेट था, शेन वॉटसन था, बहुत बड़ी टीम थी उनकी। तो जब हमारा पहला बैट्समैन आउट होके आया तो उसने मुझे कहा कि पाजन अंदर बहुत गालां पै रही हैं तो तुसी भी उनको अंग्रेजी सिखा के भेजनी सी? अंग्रेजी नहीं, मैं जो है ना, फिर जब हमारी या पंजाबी जगह पंजाबी शुरू हो जाए, यही हुआ जब हमारी टीम ने जब हमारी बॉलिंग आई तो मैंने सबको इकट्ठा किया कोई और ब्रीफिंग नहीं की, मैं क्या एक गाल कढ़ी उन्होंने, तुसी 10 गालां कढ़नी है ठीक है, जब जब तक हम उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे उपन, मैं केड़ी गाल कढ़ांगा, एक हमारा अब्दुल रहमान था सियालकोट का, लफ्तिया, मैं कह भाईजान आप पंजाबी में निकालें, उसके पास जाएं, उसको जो मर्जी करें, उससे अगले दिन रॉजर हार्पर था वो मैच रेफरी था, उसने फिर टीम मीटिंग कॉल कर ली, ऑस्ट्रेलियंस ने ना शिकायत की, तो मैं पड़ गया उधर जाके, मैंने कहा यार कि ये किसने स्टार्ट किया है, हमने तो वी आर फॉर द फ्रेंडली क्रिकेट, तो ये किसने स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया, नाउ यू हैव टू फेस इट, आप क्या करेंगे, आप हमें गाली निकालेंगे, हम सर नीचे करके जाएंगे, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो ये बिल्कुल सही है, और जो लास्ट सीरीज 2018-19 की सीरीज में जो बेस्ट स्ट्रेटेजी थी मेरा ख्याल है कोहली की यही थी,
कि कोहली चढ़ के आ रहा था इनके ऊपर, इनके प्लेयर चढ़ के आ रहे थे, फास्ट बॉलर चढ़ के आ रहे थे, सही बात है। इसी मतलब बहुत दबाया हुआ था इन्होंने, अगर वो डॉक्यूमेंट्री आप देखी हो उसमें वो ड्रेसिंग रूम भी दिखा रहे होते हैं, ठीक है, और वो जो कोहली अंदर से बाहर इशारे करता है, ठीक है, तो वो जो चीज थी तो ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल दबी हुई थी। जस्टिन लैंगर कहे नो यू डोंट, मतलब ये ड्रेसिंग रूम का जो डॉक्यूमेंट्री मैं देख रहा था कि नो वी डोंट हैव टू रिप्लाई, वी डोंट वी हैव टू रिप्लाई, फिर उन्होंने अगले टेस्ट मैच में कहा नो, फिर उन्होंने टीम पेन को कहा कि नो यू हैव टू रिप्लाई फॉर दैट, उसको रिप्लाई करो, फिर बाकी तो खैर इतने वो प्लेयर नहीं थे, तो अब जो है ना कौन स्लेजिंग करेगा, कोहली तो है नहीं है, क्या इसकी जगह वही अग्रेसिवनेस वो कप्तान जो उसको रिप्लेस करेगा वो चीज़ वो शो कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, करनी पड़ेगी, एक दो प्लेयर उनको नॉमिनेट करना पड़ेगा कि आपका काम है भाई इनको गाला कटना, इनको आप तुन के रखो, गाला कटना तुन के रखो, नहीं होता ना भाई, हो गया देसी लैंग्वेज। अच्छा जी, सुनील यादव ठीक है, आपका पॉइंट काफी वैलिड है, कह रहे जी कोहली की एब्सेंस में इंडिया को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया के पास बैकअप में केएल राहुल मौजूद हैं और वो भी अच्छे क्लास के बैट्समैन हैं, लेकिन कह रहे हैं दूसरी तरफ जब वार्नर स्मिथ गया था तो हमें ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ जो बैकअप थी वो इतनी कोई खास नजर नहीं आई थी। ट्रू। तो सुनील यादव साहब आपका ये पॉइंट वजन है। नहीं, देखिए ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोहली के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, कोहली के जाने से मोहसिन भाई फर्क पड़ेगा, ठीक है, कोहली की कप्तानी इज़ ए डिफरेंट जो है ना फ्लेवर है, और कोई और जो कप्तानी करेगा उसका डिफरेंट फ्लेवर है, क्योंकि देखें कोहली जब कोहली आपकी तरह है अग्रेसिव रहाने में, मैं कह रहा हूँ बेचारा मेरी तरह था, हुजूर मैं कोहली का कहाँ कह रहा हूँ, मैं वार्नर स्मिथ कप्तानी की बात हो रही है, मैं तो कोहली यार कप्तानी की बात हो रही है, कह रहा हूँ स्मिथ कोहली आपकी तरह वाकई नहीं था, और रहाने मेरी तरह बेचारा ठंडे मिजाज का, ठंडा देखो नंबर नोट कर रहे हैं सारे, ठंडा देखो तुम, नहीं रहने की बात कर रहे हैं, रहने के देखे अब नहीं है उनके पास कोई अग्रेसिव कप्तान, तो अब क्या हो सकता है, देखिए धोनी भी अग्रेसिव नहीं थे, जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, बंटी सुमन साहब हैं, वो कह रहे हैं जी मोहसिन सर टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा स्कोर रहाने ही करेगा। अच्छा जी ठीक है, और ऋषभ पंत को खिलाया तो एक दो सेंचुरी वो भी जड़ देगा। ठीक है सर, ये मेरी प्रेडिक्शन है, नाम मेरा याद रखना। जी याद हो गया सर, बंटी सुमन साहब। ठीक है बंटी साहब, बंटी साहब ऐसे लिख देने हैं नाम, ऐसे ना ले दो थे, बंटी लिखा गया बंटी। किरण खरबांडा साहब हैं जी, इनकी भी प्रेडिक्शन आ गई भाई, किरण खरबांडा साहब कह रहे हैं जी 2020 इज द ईयर ऑफ ब्लू जर्सी बिकॉज IPL विनर मुंबई इंडियन ब्लू जर्सी, IPL रनर अप भी ब्लू जर्सी, दिल्ली PSL विनर कराची किंग्स ब्लू जर्सी, तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ब्लू जर्सी और ब्लू जर्सी। वाह जी वाह, आपका ठीक हो गया भाई, पहली दफा कोई अच्छी बात की है खरबांडे साहब ने, ठीक हो गया। और बाकी नहीं, बड़ा अच्छा, देखे जी इनकी ऑब्जर्वेशन है, देखे इसको आप अप्रिशिएट करेंगे साहब की जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब कितनी क्लोजली ये चीजों को नोट करते हैं, तो बिल्कुल जी लेट्स सी, लेकिन पीली जो है ना दूसरी कैंगरूज जो है वो भी इतने हल्के नहीं है, वो हो सकता है नीली पहन ले जर्सी फिर के करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा जी वार्नर इस सीरीज में नहीं चलने वाला भाई, और शामी और बुमराह उसको मतलब क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और जैसे एशिज में ब्रॉड ने उसको किया था और आगे भी इनका जी, और कह रहे हैं जी वार्नर को तो हम स्मिथ में स्लिप में बार बार आउट करेंगे। ठीक है जी बार बार आप स्लिप में आउट करेंगे, और उसका भी बोला है वो भी एक दो फिफ्टी, ये भी लिख लूं नहीं इतना ना लिखें आप, अच्छा। आप भी मैं इसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं लिखना चाहिए, आप भी शुरू हो गए यार, आपने कहा नोट करें मैंने बंटी सुमन नोट कर लिया, दिमाग में नोट करें भाई, दिमाग में इतना आ बहुत शार्प दिमाग है आपका, है कि नहीं आया भाई जान, बहुत शार्प दिमाग है, वेरी वेरी क्लेवर माइंड, इतना तो नेड़े भी नहीं है वैसे, तो दिमाग की नोट करो। चलो हो गया जी बंटी साहब, बंटी खाते इस तरह याद रखा। अच्छा, और ठीक है भाई, जाहिर है कि ऐसा नहीं है कि बुमराह शामी और अगर तीसरा बॉलर जिसको भी खिलाते हैं, या ईशांत शर्मा खेलता है, या यादव खेलता है, या सिराज या कोई सैनी या जिसको भी मौका मिलता है, तो अगर वो स्लिप में आउट कर भी सकते हैं वार्नर को, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, तो हम तो और स्मिथ को भी आउट कर सकते हैं,
इसमें तो ज़ाहिर है जब खेलेंगे, लेकिन अब ये है कल भी हमने इस पर बात की थी सभी साहब के, वो मोहम्मद शामी, एवरी वन इज ऑप्टिमिस्टिक। मोहम्मद शामी ने बोला जी ठीक है वार्मअप भी अच्छा होगा, स्मिथ भी अच्छा होगा, एट द एंड ऑफ द डे वो एक गेंद की मार होती है, एक गेंद जो अच्छी पड़ जाए उसी से, तो बस सवाल यही है कि वो एक गेंद मतलब जीरो पे पड़ेगी, दस पे पड़ेगी, 50 के बाद पड़ेगी या 100 के बाद पड़ेगी। तो अब ये है तो पड़ती रहेंगी, अब देखें किस पे आउट होता है। आउट गेम मोशन भाई जो मैं देख रहा हूँ ना, टेक्निकली स्पीकिंग चीजें जो है ना वो इंडिया के हक में जा रही है। अब वो कैसे जा रही है देखे, और उसका ये कोविड का फायदा हो रहा है इंडियन टीम को, कैसे हो रहा है देखे। पहले ये इंडिया टीम जो भी टूरिंग टीम जाती थी वहाँ पहुँचती थी, दो तीन दिन के बाद मैचेस शुरू हो जाते थे, प्रैक्टिस। अब क्या है 14 दिन का क्वारंटाइन किया हुआ, पूरी तरह क्लाइमेटाइज हुए हुए हैं, ठीक है। पूरा सिडनी में उन्होंने मतलब अब वो जो चीज़ है कि जेट लॉक है या टाइमिंग का फर्क है या कुछ है, ये बड़ा एडवांटेज होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के दो टूर किए हैं तो ये बहुत ज्यादा इस चीज का फर्क पड़ता है। तुसी तो पूरे रात सोचते रहे हो कि थे हम है। मैं तो सुबह उठया रिजवान भाई यकीन करें मतलब कितनी 36 घंटे की फ्लाइट टोटल बन गई थी, तो जब मैं सुबह उठा हूँ तो मैं ऐसे गुमसुम बैठा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किधर हूँ। ढाई तीन मिनट तक बिल्कुल मैं खिड़की खोल के ऊपर से देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है मेरा 18वां फ्लोर था और मैं नीचे देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, फिर कुछ 3 मिनट के बाद मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ। फिर मैंने डॉक्टर का फोन किया, उसने कहा पाजन एनू कहते हैं जेट लॉक, जेट लॉक। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो पहले जाके अब टीम सेटल है एटमॉस्फेयर के साथ, मौसम के साथ, और फुली जो है ना अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, अपना सारा कुछ है, तो इसका उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सही है। गौरव मित्तल साहब है वो कह रहे हैं जी सुनील गावस्कर के बारे में बता रहे हैं कि सेट देयर वाज मंथ्स व्हेन ही डिडंट सी द फेस ऑफ हिज सन ड्यू टू नेशनल ड्यूटी बट दैट वाज हिज पर्सनल चॉइस। और दूसरा भी उन्होंने बोला जी कपिल पाल जी कमिंग आउट इन सपोर्ट ऑफ विराट डिसीजन ऑफ पेटर्निटी लीव्स। ठीक है जी, इस पे हमने काफी बात की, इसी पे है सिराज नहीं जा रहे, उन्हें बीसीसीआई ने ऑफर की थी के चले जाए, उन्होंने कहा नहीं मैं मुल्क के लिए यहीं रुकूंगा। इसके अलावा नटराजन ने फ्लाइट ले लिया, उनकी बेटी हुई है लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा। देखें ये होता है, कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जो है निकल, लेकिन हमें दोनों लोगों की कदर करनी चाहिए, दोनों लोगों के ऊपर एतमाद रखना चाहिए, दोनों टाइप के लोगों पर मतलब है। हाँ देखें ये बहुत बड़ी बात है, जो सिराज ने नहीं जा रहा, उसके फादर की डेथ होगी और उसने यही ऑप्ट किया कि मैं स्टे करूँगा, ठीक है। जैसे आपने इंग्लैंड सीरीज में देखा, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वसीम शाह का वालद फोत हो गया था, तो वालदा फोत मदर फोत मदर फोत, तो वो भी फिर नहीं आया था वापस। तो सम टाइम ठीक है दे आर यंग प्लेयर्स वो करते हैं, लेकिन कोहली की भी जो है चॉइस है उसको भी मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि ठीक है उसकी फैमिली लाइफ है और ये उसके पास ऑप्शन था कि आइदर स्टे और गो, तो वो जा रहा है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है। और दूसरा इन्होंने कहा गंगुली ने भी कोई उनकी सिराज की अप्रिशिएट किया है उसको, चलो अच्छी बात है। सिकंदर शर्मा है और इनका ये कह रहे थे इनकी भांजी हैं, उनकी बर्थडे सामने मैसेज आ गया, मैं इनके बता दूं वरना ये वाला डिपार्टमेंट मोहसिन भाई के पास अच्छा लिखा हुआ है मैंने। अच्छा लिखा हुआ है, दो तीन मैसेज किए। हाँ महनूर शर्मा है जी उनकी बर्थडे है। किया कि नहीं आपने कल शायद मैंने मैसेज किया था। महनूर शर्मा है जी उनकी बर्थडे है और महनूर आपको हाँ मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैव अ ग्रेट डे टुडे, और आपको आज की जन्मदिन की और सालगिरह की तो बहुत अच्छे वाले वसूल करना, छोड़ना नहीं, हमारी तरफ से भी लेना। ठीक है जी, एक दो सवाल हो रहे हैं फिर आपसे लेते हैं इजाजत। आज नाम भी हैं, कुछ बर्थडेज हैं, कुछ विशेज हैं, शुरू कर दे, चार पांच है नहीं वो भी निकाल रहे हैं ना, जरा वो फिनिश करें तो मैं शुरू करूँ। बस आपने जो सवाल दो तीन भेजे हुए हैं हाँ हाँ ले 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 ले। उस्मान गिल का पूछ रहे हैं कोच साहब, यश कुमार उनके मतलब वो कह रहे हैं उस्मान गिल की 70 के ऊपर की एवरेज है 4000 क्रिकेट में, तो कोहली की एब्सेंस में उनको नहीं चांस मिलना चाहिए। देखिए मिलना चाहिए, अभी 10 मिनट पहले जो हमने बात की थी कि जो करंट फॉर्म के अंदर है अगर उसको टाइमली खिला दिया जाए तो वो प्लेयर्स के लिए भी अच्छा होता है और टीम के लिए भी अच्छा होता है। लेट्स सी कि अब शुभम गिल जो प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन की बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर वो किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है, वो किस तरह की बैटिंग कर रहा है, के राहुल इज मोर एक्सपीरियंस प्लेयर है वो किस तरह की बैटिंग कर रहा है, तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ी स्ट्रक्चर्स के लिए एक बड़ा ट्रिकी सा होगा
कि आया वो करंट फॉर्म के साथ जाए जो कि प्रेजेंटली वहां पे जाके अब वो किस तरह बैटिंग कर रहा है, या वो फिर नाम के साथ जाए या उसके पास एक्सपीरियंस के साथ जाए, तो ये देखना पड़ेगा। देखें इसका मैच जो पड़ा है वो है राहुल से, राहुल की प्रेजेंट फॉर्म बहुत खौफनाक है, अभी हमने देखा है आईपीएल में उसने उड़ा के रख दिया सबको, तो ऑब्वियसली वो बात आपकी ठीक है जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस मैचेस होंगे उसमें भी, लेकिन आई विल पिक एटलीस्ट सून आफ्टर कोहली आई विल गो विद राहुल, क्योंकि उसका उसका हमें जरूरत भी है, बनता भी। अजय जी, वेद प्रकाश पांडे साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये स्मिथ विलियमसन बाबर रूट इनकी आपस में क्यों नहीं कंपैरिजन होता, हमेशा विराट कोहली से क्यों लोग करते हैं कंपैरिजन, तो इसका भाई सादा सा जवाब तो ये है कि विराट कोहली इज़ द बेस्ट और आप कंपैरिजन शायद बेस्ट के साथ ही करना चाहेंगे, तो अब इस पे क्या मजीद बात, हम तो कंपैरिजन नहीं करते, तो करते नहीं, जो करता है उनको ये जवाब देना चाहिए, इसका आसान जवाब तो ये है जी। अच्छा जी, रामचंद्रा पूछ रहे हैं जी आप दोनों से कि आप अश्विन और जडेजा को दोनों को टेस्ट मैच में खेलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जडेजा जो है वो तो कह रहे हैं कि विहारी के जितने रन वो भी कर देगा। देखें जडेजा अगर अच्छी बैटिंग फॉर्म के अंदर है तो फिर वो खेल सकते हैं, फिर दो से जा सकते हैं, क्योंकि देखें अगर हम छः बैट्समैन खिलाएं और फिर अगर आपने पाँच बॉलर्स खिलाने हैं और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे शायद बॉल थोड़ा सा स्पिन को असिस्ट करेगा, तो फिर अगर जडेजा अच्छी फॉर्म के अंदर है तो वो नंबर 7 पे आ सकता है और फिर नंबर 8 पे अश्विन, फिर 3 फास्ट बॉलर से 5 बॉलर्स का कम्बिनेशन फिर आपकी टीम का बनता है। नहीं, मैं तो दोनों को भी खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि जडेजा जो है मुझे बैटिंग में भी ऑप्शन देता है, बॉलिंग में भी उसकी विकेटें हैं, 49 की एवरेज से वो रन कर रहा है लास्ट 3 साल से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल है। ये नाम ले लीजिए, करण पाटिल हैं जी, वो उनकी जो वालदा थी वो COVID-19 और मलेरिया से सफर कर रही थी, तो उनके लिए जी दुआ कर दें आप। गेट वेल सून आंटी जी। किमरज हरिजान है, इसके अलावा राकेश हैं, इसके अलावा जनाब सिकंदर शर्मा का आपने बोल दिया, मैंने दो जगह नोट कर लिया था कि ये नाम मैं भूल जाऊं। जगदीप सैनी हैं जी, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, बलजीत कौर साहिबा उनकी जो है वाइफ है, तो उनको मैरिज सेरेमनी कितने साल हो गए ने, फिर उससे तो सामना लस्सी का विश कर के कितनी कैद होगी, व्हाट इज दिस यार, फिर उसने सामना ली बंदा विश कर, बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक हो, नहीं भाभी नु असी मुबारक देनी है या इनानु पहले है फैसला इनानु देनी है कि आज दा दिन तानु कभी जिंदगी च नहीं भुलेगा जी, मैं सानु नहीं भुलया ते इनानु ही नहीं भुलना इंशाल्लाह। अच्छा रामचंद्रा जी जोड़ी सलामत रहे, आमीन आमीन, बिल्कुल तुसी खुश रहो, खुश रहो, खुश रहे, प्यार बांटे। रामचंद्रा जी कहते थे नाम ले दो, नाम ले दिया जी। इसके अलावा जनाब अल्लाह आपका भला करे, जतिन मदन हमारे रेगुलर हैं, आज उनकी वाइफ की मलिका मदन है उनकी बर्थडे है जी, तो बर्थडे विश कर दें आप। हैप्पी बर्थडे मलिका, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव अ ग्रेट डे टुडे, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहें और खुशी रहे। स्पर्श सिंह हैं जी, वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का बस छोड़ें, ये बात इफ्तिखार कहता है मैं कितना लकी हूँ, जिस जिस टीम में जाता हूँ उसको चैंपियन बनाता जाता हूँ, ट्वीट किया और उसके बाद अगले सीजन में रिलीज होता चला जाता हूँ। चले ये तो आने लाइटर नोट था, वेद प्रकाश पांडे का आपने ले लिया, सैनी साहब का हमने बोल दिया, यश कुमार का बोल दिया। अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट करें, प्यार बांटें, खुशियां बांटें, सभी साहब के माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल करें, अल्लाह हाफिज़।